जी ने दी थी। ओह, तब तो पहन के जाओ, फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा। आगे से ना ये चटक पीला रंग सिर्फ उपटन के लिए ही इस्तेमाल किया करो। इससे तुम्हारा रंग भी निखरेगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। लो पकड़ो। हाँ मम्मी। बेटा तुम आ रहे हो ना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी, निहार जी के फ्री होते ही हम निकल रहे हैं। रुचि, ये तो बता तेरी मोदीखाई की रस्म कैसी रही? ये क्या? चांद के आगे पर्दा? यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। शक्ल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। सब बहुत अच्छा हुआ था मम्मी, सबने खुलकर आशीर्वाद भी दिया। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम लोग जल्दी से आ जाओ। तेरे पापा तो इतने बेचैन हो रहे हैं कि खाना ही नहीं खा रहे। कह रहे हैं आने दो उन लोगों को, फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके मम्मी, जल्दी आती हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी, वहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से हुआ है। शांति का तो बीज ही नहीं है तुझमें, इतना समझाया था फिर भी पूछ ही लिया। माँ प्लीज आज मत कुछ कहिएगा, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मेरी बेटी और दामाद पगफेरे की रस्म पूरी करने के लिए घर आ रहे हैं, तो प्लीज माँ। मैं बिचारी बुढ़िया किसी को क्या कुछ कहती हूँ, मैं तो चुप ही रहती हूँ। आपस में ही गप्पे मार लो ना, फिर मेरी मदद मत करना, कोई बच्चे को अकेले लगा रखा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। एक खाटू श्याम जी महाराज, जैसे अभी तक सब रस्में अच्छे से हुई, ये रस्म भी अच्छे से हो जाए। मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने सोचा था पूजा के बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट कॉल है, थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ मम्मी को फोन करके बोल देती हूँ कि पापा को नाश्ता देके दवाई दे दे। ये निहार जी बिना पूरा कमरा बच्चों की तरह फैला दिया। आप आ गए। मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया? जी सब इधर उधर था ना, तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? किसने कहा था तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? हिम्मत कैसे है तुम्हारी? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? समझते क्या हो तुम अपने आप को? किसने हक दिया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? मेरी मॉम भी मेरी परमिशन के बिना मेरे सामान को हाथ नहीं लगाती। तुमने सब इधर उधर कैसे किया? निहार भैया, ऋतु पति पत्नी का मामला है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो मैंने तो बस सारा सामान एक सा कर दिया था। क्या एक सा कर दिया था? मुझे सब ऐसे ही चाहिए। ये बेड पर बिखरे हुए कपड़े, ये आड़े टेढ़े जूते, ये बेडशीट बिखरी हुई, ऐसे ही सब बिखरा हुआ चाहिए मुझे आसपास।
निहार भैया बस कीजिए, शांत हो जाइए। माँ जी, निहार के पापा भी ऑफिस गए हैं। अब बेटा, अरे तू बिल्कुल सही कह रही है, शांत हो जा। अब इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। I'm sorry निहार जी, मुझे नहीं पता था कि कोई आपके सामान को हाथ लगाए वो आपको नहीं पसंद है। नहीं है ये बेटा, अभी तेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती है और अभी अभी तो शादी हुई है, माफ कर दे इसे बेटा। और वैसे भी पत्नी और पति को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है ना बेटा। बेटा छोड़ दो ना इन सब बातों को, क्या रखा है इसमें। रुचिता को पग फेरे की रस्म के लिए उसके घर लेके जाओ। बेटा वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना उनसे मिलकर। अब शादी हुई है तो इतनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना बेटा। कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ। जो रस्म निभानी थी निभा दी, जो होना था वो हो गया, अब बस। मेरे साथ पग फेरे में जाना था ना तुम्हें, अब भूल जाओ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। निहार जी प्लीज, मेरा गुस्सा इन रस्म पर मत निकालिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। I'm sorry निहार जी, प्लीज घर जाने के लिए मना मत कीजिए, मेरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होगी। प्लीज प्लीज निहार जी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। आई डोंट केयर, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, बात खत्म।